नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है, यानी इस समय अवधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार का परिणाम देखने के लिए मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और इन 15 दिनों में कहां पर मकर राशि वाले जातकों को सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो मकर राशि वाले जातकों, आपकी चंद्र राशि के ऊपर यह राशिफल आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान मकर राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मकर राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मकर राशि के लिए कुछ विशेष उपाय। उपाय के दौरान मकर राशि वाले जातकों को दो मुख्य सावधानियों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान में रखकर चलते हैं तो आपको ज्यादा परिणाम कम समय में मिलेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके राशि के ऊपर इन 15 दिनों में ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है, उसके पश्चात आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। मकर राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी शनिदेव इन 15 दिनों में वक्री होकर आपके लगन में मौजूद रहेंगे। गुरु आपकी राशि के पराक्रम में मौजूद रहेंगे और वक्री होकर मौजूद रहेंगे। राहु आपकी राशि के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर, केतु देव आपकी राशि के कर्म भाव पर मौजूद रहेंगे। मंगल आपकी राशि के त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव पर मौजूद रहेंगे। वहीं सूर्य, बुध और शुक्र, ये त्रिग्रही योग इन 15 दिनों तक आपके राशि के भाग्य भाव में बन रहा है, जिसमें सूर्य बुध का बुधादित्य योग और शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग ये भाग्य भाव में ही बन रहा है। तो इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है। माइनर ग्रहों में 2 तारीख को बुधदेव मार्गी हो रहे हैं। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि इन 15 दिनों में मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थितियां देखने के लिए मिलने जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में। जहां तक बात करें करियर का, तो राशि के दशम भाव से इसका विचार करते हैं। राशि के दशम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र बुध के साथ मौजूद होकर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं और इनका नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तो यहां पर मकर राशि वाले जातकों के लिए कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत के अनुसार आपको सफलता ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। इस दौरान आपके जीवन में सफलदायी स्थितियां काफी ज्यादा निर्मित होंगी। यदि आप अपने जीवन में हर प्रकार के अवसरों का लाभ लेते हैं, कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप निरंतरता बनाकर चलते हैं, तो अभी आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने के लिए मिलेगा। लगन पर वक्री शनि के प्रभाव से मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में कई प्रकार का अवरोध और व्यवधान की स्थितियां भी निर्मित हो सकती है, परंतु आप अपनी सूझबूझ के द्वारा उसे सुलझाते हुए भी नजर आ सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए और व्यापारी जातकों के लिए विशेष रूप से सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। व्यापार कर रहे जातक अपने धन का सोच विचार कर व्यय करें। व्यापारिक जीवन में साझेदारी से भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। मकर राशि वाले जातकों के लिए धन के मामले में जानकारी दिया जाए। इस दौरान आपकी राशि के धन भाव के स्वामी शनिदेव आपकी राशि के लगन भाव पर वक्री होकर मौजूद है और गुरु बृहस्पति आपकी राशि के लाभ भाव को देख रहे हैं। तो यहां पर आपके जीवन में धन के आयामों में वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। इन 15 दिनों के मामले में आपके जीवन में रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कर्म क्षेत्र के माध्यम से
आप जीवन में पर्याप्त धनार्जन करने में सफल रहेंगे, परंतु आपके जीवन में खर्चों में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। आर्थिक जीवन के मामले में आपको लक्ष्मी नारायण योग का काफी ज्यादा लाभ देखने के लिए मिलेगा, जो भाग्य भाव में बना हुआ है। इससे आपके जीवन में भविष्य के लिए स्थितियां बेहतर बनती जाएंगी और आपके जीवन में ऐसे पक्ष भी देखने के लिए मिल सकते हैं जहां पर आप धन के आयामों में बड़ा लाभ प्राप्त कर पाए। इस दौरान अगर पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, पारिवारिक जीवन के मामले में ये जो 15 दिन हैं आपके लिए बेहतर कहे जाएंगे। महीने की शुरुआत से ही लेकर घर परिवार में आपको सहयोग और घर में एकजुटता का माहौल दिखाई देगा। शुक्र की स्थितियां बेहतर हैं तो घर परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन भी हो सकता है। धार्मिक जीवन में काफी संलग्नता बनी रहेगी। परिवार के कुटुंबी जनों के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे। हालांकि आपकी राशि के परिवार भाव के स्वामी शनिदेव वक्री होकर मौजूद हैं, आपके राशि के लगन भाव पर मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर व्यक्तिगत जीवन में परिवार के सदस्यों के बीच में छोटी मोटी समस्याएं भी परेशान कर सकती है आपको, परंतु आप अपनी सूझबूझ के द्वारा घरेलू समस्याओं को सुलझाते हुए भी नजर आ सकते हैं। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन की जानकारी दिया जाए, दर्शकों, प्रेम संबंध का विचार राशि के पंचम भाव से किया जाता है। प्रेम जीवन के मामले में यह जो समय है आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। राशि के पंचम भाव पर मंगल उपस्थित है तो आपके जीवन में प्रेम संबंध या किसी गहरी फ्रेंडशिप में यदि आप हैं तो आपके जीवन में जल्दबाजी और हड़बड़ाहट देखने के लिए मिल सकती है। पंचम भाव के स्वामी अपनी नीच राशि में मौजूद हैं तो इस दौरान प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों को सतर्कता पूर्वक चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है, अन्यथा रिश्तों में दरार की संभावना भी दिखाई दे सकती है। मकर राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन के मामले में यदि जानकारी दिया जाए, दर्शकों, वैवाहिक जीवन के मामले में ये 15 दिन काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। जीवन साथी के प्रति आपका समर्पित व्यवहार आपके जीवन में अनुकूलता लाएगा। आपके जीवन में दाम्पत्य सुख काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रिश्तों में काफी ज्यादा घनिष्ठता और प्रेम की अनुभूति आप करते हुए नजर आ सकते हैं। राशि के सप्तम भाव पर गुरु बृहस्पति की दृष्टियां जा रही है तो आपके दाम्पत्य जीवन में संतान की उन्नति भी होती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, राशि के छठे भाव से रोग ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। जहां तक सेहत की बात करें तो छठे भाव का स्वामी बुधदेव मार्गी होकर राशि के भाग्य भाव में मौजूद है तो किसी प्रकार की समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। लगन पर शनि के वक्री रहने के कारण आपके मन में व्यर्थ का आलस्य देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए मकर राशि वाले जातकों को जीवन शैली को सुधार कर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, नियमित व्यायाम करना, यदि ये सारी अच्छी आदतें आप अपने जीवन में रखते हैं तो सेहत के मामले में आपको किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देगी। वर्तमान समय में राशि स्वामी शनिदेव वक्री होकर मौजूद हैं तो कुछ मकर राशि वाले जातकों को पेट से जनित समस्या और हड्डियों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, वहीं सर्दी जुकाम और मौसम परिवर्तन से जुड़ी हुई समस्याएं भी परेशान कर सकती है। परंतु यदि आप सावधानी बरतते हैं तो ये 15 दिन आपके लिए काफी बेहतर रहेंगे। अब मकर राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले दो बातों का मकर राशि वाले जातकों को ध्यान रखकर चलना है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में यदि दूसरे व्यक्ति की कमियों को खोजना बंद कर दें, यानी मकर राशि वाले जातकों को जीवन में किसी व्यक्ति का असम्मान करने से बचना चाहिए
या किसी भी व्यक्ति का मजाक उड़ाने से बचना चाहिए। दूसरी बात का आपको यह ध्यान रखकर चलना है कि मकर राशि वाले जातकों को आलस्य करने से बचना है। जीवन में समय प्रबंधन का ध्यान रखकर आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि ये दोनों बातों का आप जीवन में ध्यान में रखेंगे तो यह समय आपके लिए बेहतर जाएगा। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बेहतर रहेगा। नाभ का छल्ला यदि आप अपने हाथ में धारण करते हैं तो शनि की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। मकर राशि वाले जातकों को महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करने से मन में एकाग्रता, प्रसन्नता और शारीरिक समस्या आपके जीवन से दूर होगी। उम्मीद है यह जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।